विश्व कप जीतने के बाद मेसी अब सारी दुनिया के प्रशंसा में डूबा हुआ है। बहुत सारे फुटबॉलर के साथ प्राक्तन फुटबॉलर और उसकी प्राक्तन टीममेट भी उसको अभिनंदन जना रहा है, जैसे बार्सिलोना से पेड्री, बास्टिनारो, सर्जियो रोबर्तो, रोनाल्डो अराउजो और भी बहुत सारे। रिवाल्डो, डेविड बेकहम, रोनाल्डिन्हो, कार्लोस बुएल, गैरी लिनेकर, रोनाल्डो नजारेव, पिरलो जैसे लीजेंड ने भी अभिनंदन जनाई है। बेस्ट फ्रेंड नेमार और सुआरेस से तो पहले ही अभिनंदन मिल चुके हैं मेसी को। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी भी मेसी को अभिनंदन बधाई दिया है। और भी बहुत सारे, बोलने पे नाम ही खत्म नहीं होगा। बात किए तो पूरी वर्ल्ड अब मेसी को बधाई दे रही है, लेकिन इस बार जिसका नाम बोलूँगा शायद मेसी भी खुशी होंगे, फुटबॉल सम्राट पेले। 150 शताब्दी का दो सर्वश्रेष्ठ महान खिलवाड़ पेले और माराडोना में से माराडोना अब नहीं है। मेसी की कप जीत वो नहीं देख पाया है, लेकिन पेले देख के जा रहा है और बधाई भी दिए है। अर्जेंटीना के विश्व कप जीत की छवि पोस्ट करते हुए पेले अपना इंस्टाग्राम पे लिखी है, फुटबॉल अपने हिसाब से उसकी स्टोरी लिख रही है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग से मेसी उसका पहले विश्व कप जीती है, वो इसके जोग्गो है। अभिनंदन अर्जेंटीना, कॉन्ग्रेचुलेशन। निश्चित रूप से डिएगो माराडोना आप मुस्कुरा रहा है, साथ ही पहले एम्बाप्पे को लेकर भी बोला है, उसकी प्रशंसा करते हुए बोला माई डियर फ्रेंड एम्बाप्पे, और यह भी लिखा एम्बाप्पे फाइनल में 4 गोल स्कोर किया है और भविष्य में बहुत कुछ करने वाला है। साथ ही वो मोरक्को फुटबॉल टीम को बधाई दी है। यह देखने को बहुत अच्छा लगा कि अफ्रीका टीम भी अब विश्व कप में साइन रख के जा रही है। लास्ट में पहले लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जेंटीना, डिएगो अब मुस्कुरा रहा है। विश्व कप चलने के समय उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, हालांकि साओ पाउलो की अल्बर्ट आइंस्टाइन हॉस्पिटल में एलिएटिक केयर में रखा गया था। अर्जेंटीना विश्व कप जीतने के बाद हॉस्पिटल से ही मेसी को यह संदेश भेजा है। उसके अलावा विश्व कप की पहले पेले की बेटी की ट्वीट से हमको पता चला है कि लियोनेल मेसी की विश्व कप जीतने की आकांक्षा प्रसंगे बोला था कि शायद 4 साल के बाद मैं और इस दुनिया में नहीं रहूँगा, जिंदा रहते ही मेसी के हाथ में विश्व कप देखना चाहता हूँ। हॉस्पिटल की बेड में बैठे हुए पहले ये बात उसकी बेटी नासिमेंटो को बोली थी, और नासिमेंटो वो बात ट्वीट के माध्यम से विश्व के सामने दिखाई है।